लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नारायण नारायण, ये राक्षसी अवश्य कुछ उत्पात मचा कर रहेगी। हनुमान, मैंने तो तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था, है? जय श्री राम, 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 नारायण, जय श्री राम, नारायण। गुरुदेव, गुरुदेव, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, परंतु तुम कहाँ? गुरुदेव, मैं तो यहाँ अपने प्रभु का स्मरण कर रहा हूँ। हनुमान, प्रभु का स्मरण करते करते तुम्हारी गदा का हरण हो गया। गदा हरण? गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी गदा कहाँ गई? गुरुदेव, 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 मेरी गदा कहाँ है? गुरुदेव, मेरी गदा कहाँ है? मैंने तुम्हें कितना सावधान किया था, परंतु तुमने मेरी एक ना सुनी। अब हो गई ना गदा चोरी। गदा चोरी? मैंने तुमसे कहा था स्त्रियों से सावधान रहना, परंतु तुमने ध्यान नहीं दिया। अब ढूंढो अपनी गदा। गुरुदेव, गुरुदेव, गदा, गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी गदा कहाँ है? गुरुदेव, गुरुदेव। हनुमान, तुम्हें अपनी गदा ढूंढने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। ठीक है गुरुदेव, मैं कठिन परिश्रम करूंगा, परंतु अपनी गदा पुनः प्राप्त करूंगा। जिन सैनिकों को वन प्रदेश में चारों ओर राजकुमारी को ढूंढने के लिए भेजा था, वो अभी तक नहीं आया महाराज। मैं आपसे यही कहने आया हूं महाराज। हमारे राज्य के महामंत्री हैं आप, हम शुभ समाचार सुनने के लिए छटपटा रहे हैं। आप हमारी व्यथा और चिंताओं को तो जानते ही हैं, फिर भी ये चिंताजनक समाचार यहाँ लेकर आने का प्रयोजन ही क्या है? इससे तो अच्छा होता कि आप अपनी विफलता का समाचार यहाँ लेकर ही नहीं आते। क्षमा चाहता हूँ महाराज, मुझसे भूल हुई। तो अपनी भूल का परिमार्जन कीजिए, और जब तक राजकुमारी के लौटने का समाचार ना मिले, हमें अपना मुंह ना दिखाइएगा। जो आ गया महाराज। ठहरिए, पहले ये बताइए कि जो दासियां राजकुमारी के साथ वन विहार के लिए गई थी, वो लौट कर आई या नहीं? महाराज, वो कह रही थी कि राजकुमारी वन में न जाने कहां अदृश्य हो गई। पिताश्री, 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 चंपिका दीदी आ गई है। आ गई? पर वो है कहां? पिताश्री, वो अपने कक्ष में है। परंतु उसे हुआ क्या था? वो कहां थी? पिताश्री, वन में एक राक्षस ने दीदी पर आक्रमण कर दिया था। क्या? हाँ पिताश्री, और दीदी बता रही थी कि जब उन पे आक्रमण हुआ, तभी एकाएक एक राजकुमार जैसा वीर पुरुष वहाँ आ गया, और उसने उस राक्षस से बहुत शूरवीरता से संघर्ष किया, किंतु 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 क्या पुत्री? किंतु पिताश्री, वे अकेले कब तक उस राक्षस से लड़ते? फिर उन्होंने अपने इष्टदेव हनुमान जी को याद किया, और एकाएक हनुमान जी प्रकट हो गए, और फिर हनुमान जी की कृपा से उस वीर पुरुष ने उस दुष्ट राक्षस को मार डाला। परंतु वो वीर पुरुष है कहाँ? चंपिका उसे साथ नहीं लाई? उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और वहां से चले गए। धन्य है वो वीर पुरुष, परंतु उसका नाम क्या है? वो आया कहां से? पिताश्री, क्या किसी अपरिचित पुरुष से उसका नाम पूछा जाता है भला?
आप ही ने तो समझाया था। परंतु उसे ढूंढना तो होगा ना, उसे पुरस्कृत जो करना है। हाँ, वो चंपिका दीदी भी और अब आप ही। अब तो मुझे उस पुरुष को ढूंढना ही पड़ेगा। मैं जा रही हूँ पिताश्री। अरे परंतु तुम उसे ढूंढोगी कहाँ? आप चिंता न करिए पिताश्री, अब तो मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगी। पुत्री, हनुमान की गदा, जब मैं अपने असुर बंधुओं को दिखाऊंगी तो उनकी बाछें खिल जाएगी। उन्हें मानना पड़ेगा कि स्त्री होते हुए भी मैं उनसे कम नहीं हूं। बाछें खिल जाएंगी या मुरझा जाएंगी। हनुमान की गदा को संभालना इतना सरल नहीं है वीरूपा। लगता है इसी पर्वत की गुफा में इन लोगों का वास है। ना 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 ना, नारायण नारायण, हनुमान इस गुफा के अंदर ये गदा पहुंचनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, इस गदा का कोई भरोसा नहीं। हनुमान की गदा है, कोई उत्पात मचा सकती है। अच्छा तो यही होगा, इसे यही नष्ट कर दिया जाए। धन्य है तुम्हारी कदा, नारायण नारायण।